अब रूट कैनल जब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, पेशेंट पूछता है डॉक्टर रूट कैनल होता क्या है, फिर हम उनको बोलते हैं रूट कैनल ऐसा ऐसा होता है, उसके हम इन्फेक्शन निकाल के उसको क्लीन करके उसको अच्छे से हम हेल्दी बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कैप भी देनी पड़ती है। तो कुछ पेशेंट्स हमको बोलते हैं डॉक्टर आप उसको रूट कैनल करोगे, फिर उसको कैप दोगे, फिर कुछ दिनों के बाद तो गिर ही जाएगा, क्योंकि रूट कैनल लाग तो फिर उसकी पूरी हेल्दी जो स्टेट है नॉर्मल वो तो चली गई है। पर ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि रूट कैनल को अगर आप दांत रूट कैनल ट्रीटमेंट किया हुआ है और उसको रेगुलरली आप क्लीन कर रहे हो, रेगुलर 6 मंथ्सली आप डेंटिस्ट के पास विजिट कर रहे हो, वो रूट कैनल का चेकअप करवा रहे हो जिस दांत का रूट कैनल किया हुआ है, तो स्टडीज या फिर देखा गया है कि रूट कैनल ट्री 10 साल के आगे ही हम उसको रख सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में तो वो रूट कैनल लाइफ टाइम भी चल चुके हैं। इसीलिए रूट कैनल ट्रीटमेंट से दांत इवेंचुअली गिर ही जाने वाला है ये गलतफहमी है। रूट कैनल से दांत बचता है और उसकी लाइफ भी अच्छी खासी हम एक्सटेंड कर सकते हैं।